25 जनवरी 2017 को होम मिनिस्ट्री ने पद्म अवार्ड की जो है लिस्ट जारी की है। तो इसमें है द गवर्नमेंट ऑन जनवरी 25, 2016 अनाउंस्ड पद्म अवार्ड इन न्यू दिल्ली टू सिटीजन्स ऑफ द कंट्री इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन इन वेरियस स्फीयर्स। मतलब वो विशिष्ट कंट्रीब्यूशन जो है अपना योगदान जिस फील्ड में दिए हैं उसमें जो है पद्म अवार्ड दिया गया है। दिस ईयर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड पद्म अवार्ड टू 89 पीपल्स। 89 लोगों को प्रेसिडेंट ने ये अवार्ड दिया है जिसमें से आउट ऑफ दीज 19 आर वुमन। इसमें से 19 जो है महिलाएं हैं। 5 अवार्डेज आर फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फॉरेन NRI PIOs वाइल 6 आर पास्ट में। तो 5 इसमें जो है NRI और PIOs और फॉरेनर्स में दिया गया है। 6 लोगों को अवार्ड दिया गया है उनको मरणोपरांत दिया गया है। अगला पॉइंट है द अवार्ड इंक्लूड्स 7 पद्म विभूषण है, 7 जो है पद्म विभूषण है और 7 जो है पद्म भूषण है और 75 जो है पद्मश्री अवार्ड है। तो ये टोटल जो है 89 लोगों को दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि अबाउट पद्म अवार्ड। पद्म अवार्ड इज वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का और 1954 से ये दिया जा रहा है। इट इज गिवन इन 3 कैटेगरीज नेमली इसमें पद्म विभूषण पद्म भूषण एंड पद्मश्री। 3 कैटेगरी में ये डिवाइड करके दिया जाता है। आगे देखते हैं। इसमें है पद्म विभूषण इज अवार्डेड फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस। विशेष सर्विस के लिए दिया जाता है जैसे इसमें दीपा कर्माकर हैं जिमनास्ट। आगे देखते हैं पद्म भूषण इज अवार्डेड फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर। ये हाई ऑर्डर के लिए दिया जाता है। अगला है पद्मश्री इज अवार्डेड फॉर द डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड जैसे गेम हो गया या मेडिकल हो गया या किसी भी फील्ड में ये दिया जाता है। द अवार्ड आर अनाउंस्ड ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे एवरी ईयर। हर साल जो है रिपब्लिक डे पे जो 26 जनवरी को ये अनाउंस किया जाता है दिया जाता है। दीज अवार्ड्स आर कन्फर्ड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट ए सेरेमोनियल फंक्शन विच आर हेल्ड एट राष्ट्रपति भवन यूजुअली अराउंड मार्च एंड अप्रैल। अनाउंस जो है 26 जनवरी को किया जाता है रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस पे और ये दिया जाता है एक सेरेमोनियल फंक्शन करके विशेष तरीके का एक फंक्शन करके राष्ट्रपति भवन में मार्च और अप्रैल महीने के हर साल ये दिया जाता है। अब आगे देखते हैं। इसमें अवार्ड कौन ये जारी करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जारी करती है। इसमें वही लिखा गया है कि 89 लोगों को अवार्ड दिया गया है, 7 पद्म विभूषण है, 7 पद्म भूषण है और 7 75 जो है पद्मश्री है। वही देखते हैं किनको किनको क्या क्या मिला है। पद्म विभूषण की सूची में 7 लोग हैं। श्री KG यशुदास हैं इनको मिला है, आर्ट म्यूजिक में मिला है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, केरला स्टेट के रहने वाले हैं। सदगुरु जग्गी वसुदेव को मिला है, ये क्या है, स्पिरिचुअल गुरु हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अगला है शरद पवार जो है ये पब्लिक अफेयर्स में ये पॉलिटिकल लीडर हैं। ये कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। अगला है मुरली मनोहर जोशी, ये क्या है, ये पब्लिक अफेयर्स में ये पॉलिटिक्स में है, राजनेता हैं। ये कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के। प्रोफेसर उडपी रामचंद्रन राव इनको मिला है साइंस एंड इंजीनियरिंग में, ये कर्नाटका के रहने वाले हैं। अगला है श्री सुंदर लाल पटवा, इनको पब्लिक अफेयर्स में है फील्ड से हैं, इसमें राजनीति से रिलेटेड है नेता टाइप। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले, इनको पॉस्टमसली मिला है मतलब मरणोपरांत मिला है। अगला है PA संगमा, ये भी राजनेता ही थे, राजनीति से रिलेटेड पब्लिक अफेयर्स, ये कहाँ के, मेघालय के।
अब अगला है पद्म भूषण, इसमें भी 7 लोग हैं। इसमें है श्री विश्व मोहन भट्ट, इनको किस फील्ड में मिला है, इनको भी आर्ट म्यूजिक में मिला है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। फिर अगला है प्रोफेसर डॉक्टर देवी प्रसाद द्विवेदी, इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन में दिया गया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अगला है श्री तेहमतन उदवदिया हैं, इनको मेडिसिन में दिया गया, ये महाराष्ट्र के हैं। अगला है श्री रत्ना सुंदर महाराज, इनको स्पिरिचुअलिज्म में दिया गया है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, गुजरात के रहने वाले हैं। अगला है स्वामी निरंजनानंदा सरस्वती, इनको जो है योग में दिया गया है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं। अगला है H.R.H. प्रिंसेस महा चक्री श्रीधरन, ये फॉरेनर हैं, इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में दिया गया है, ये थाईलैंड के हैं। अगला है ये है लेट श्री रामास्वामी हैं, इनको लिटरेचर और एजुकेशन में दिया गया है, जर्नलिज्म में, ये तमिलनाडु के, इनको पोस्ट मछली दिया गया है। अब पद्मश्री की लिस्ट है, इसमें 75 लोग हैं। इसमें है श्रीमती बसंती भीष्ट, इनको आर्ट म्यूजिक में दिया गया है, ये उत्तराखंड की हैं। श्री सिनेमा चेरी कुहिरमन नायर हैं, इनको आर्ट में मिला है, डांस के क्षेत्र में केरला के हैं। अगला है श्रीमती अरुणा मोहंती, इनको डांस में मिला है, रहने वाली हैं उड़ीसा की। अगला है भारती विष्णुवर्धन, इनको सिनेमा में मिला है, ये कर्नाटका के रहने वाले हैं। सिद्धू महर, ये सिनेमा में इनको मिला है, ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। टी के मूर्ति, इनको भी म्यूजिक में दिया गया है, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अगला है लैस राम बीरेंद्र कुमार सिंह, इनको म्यूजिक में दिया गया है, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। अगला है कृष्ण राम चौधरी, इनको म्यूजिक में मिला है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अगला है बाओ देवी, इनको पेंटिंग में मिला है, ये बिहार की रहने वाली हैं। अगला है तिलक गीतई, ये पेंटिंग में इनको मिला है, ये राजस्थान के रहने वाले हैं। प्रोफेसर आइका यादागिरी राव, इनको मिला है स्कल्पचर में, ये तेलंगाना के रहने वाले हैं। इसके बाद है जितेंद्र हरिपाल, इनको किस में मिला है, इनको म्यूजिक में मिला है, ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। अगला है कैलाश खेर, इनको म्यूजिक में मिला है, कहाँ के रहने वाले हैं, ये महाराष्ट्र के हैं। प्रसाला बी पोनम्मल, ये हैं, इनको भी म्यूजिक में मिला है, ये केरला के रहने वाले हैं। सुकरी बोम्मा गोवडा, इनको किस में मिला है, इनको म्यूजिक में मिला है, ये कर्नाटका के रहने वाले हैं। अगला है मुकुंद नायक, इनको किस में मिला, इनको म्यूजिक में मिला है, ये झारखंड के रहने वाले हैं। अगला है पुरुषोत्तम उपाध्याय, इनको म्यूजिक में मिला है, ये गुजरात के रहने वाले हैं। अगला है अनुराधा पौडवाल, ये म्यूजिक हैं, संगीतकार हैं, इनको महाराष्ट्र महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। वरेप्पा नाबा नील, इन ये किस फील्ड से, थिएटर से रिलेटेड हैं, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। श्री त्रिप्रन्नी हनुमान चौधरी, ये इनको ये किस फील्ड से रिलेटेड हैं, सिविल सर्विसेज से रिलेटेड हैं, ये तेलंगाना के। अगला है टी के विश्वनाथन, ये किस फील्ड से है, सिविल सर्विसेज से रिलेटेड हैं, मतलब प्रशासनिक सेवा से रिलेटेड हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, हरियाणा के। अगला है कनवल सिब्बल, ये कहाँ, ये क्या है, ये है सिविल सर्विस प्रशासनिक सेवा में, ये कहाँ, किस कैडर के, दिल्ली के। अगला है बिरखा बहादुर लिंबो मुरिंगला, ये किस फील्ड से इनको मिला है, लिटरेचर एंड एजुकेशन में मिला है, ये सिक्किम के रहने वाले हैं। अगला है श्रीमती अली अहमद, इनको मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन में, ये रसम के रहने वाले हैं। अगला है डॉक्टर नरेंद्र कोहली, इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन में मिला है, ये दिल्ली के रहने वाले हैं। अगला है प्रोफेसर जी वेंकटा सुबैया,
इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन में मिला है, कर्नाटका के रहने वाले हैं। श्री अक्किथम अच्युत्थान नामबूथिरी, इनको किस फील्ड में मिला, लिटरेचर एंड एजुकेशन में मिला है, ये केरला के रहने वाले हैं। अगला है श्री काशीनाथ पंडित, इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में, जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं। अगला है श्री चम्मू कृष्णा श्रेष्ठी, इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन में मिला है, दिल्ली के रहने वाले हैं। अगला है हरिहर कृपालु त्रिपाठी, इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन में मिला है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अगला है माइकल डेनिनो, ये इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन में मिला है, तमिलनाडु के हैं। अगला है पूनम सूरी हैं, इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन में मिला है, दिल्ली की रहने वाली हैं। अगला है बीजी पटेल, इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन में मिला है, ये गुजरात के रहने वाले हैं। अगला है बी कोटेश्वरम्मा, ये इनको किस फील्ड में, लिटरेचर एंड एजुकेशन में मिला है, आंध्र प्रदेश का। अगला है श्री बलबीर दत्त, लिटरेचर एंड एजुकेशन में जर्नलिज्म फील्ड में मिला है, ये झारखंड के रहने वाले हैं। आगे देखते हैं। अगला है श्रीमती भावना सोमैया, इनको जो है जर्नलिज्म में मिला है, महाराष्ट्र की रहने वाली है। इसके बाद श्री विष्णु पांड्या हैं, इनको भी जर्नलिज्म में मिला है, गुजरात के रहने वाले हैं। अगला है सुब्रतो दास, इनको मेडिसिन के फील्ड में मिला है, ये गुजरात के हैं। इसके बाद भक्ति यादव, ये सबसे इम्पोर्टेंट, यही मेडिसिन में 91 ईयर ओल्ड हैं, ये फ्री में सबको मेडिसिन करती हैं, MBBS हैं, ये इंदौर की रहने वाली हैं, मध्य प्रदेश की। अगला है मोहम्मद अब्दुल वहीद, इनको मेडिसिन में मिला है, तेलंगाना के रहने वाले हैं। अगला है मदन माधव गोडबोले, इनको भी मेडिसिन में मिला है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अगला है देवेंद्र दया भाई पटेल, इनको किस फील्ड में मिला है, इनको मेडिसिन में मिला है, गुजरात के रहने वाले हैं। अगला है हरकिशन सिंह, इनको किस फील्ड में मिला है, मेडिसिन के फील्ड में मिला है, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। अगला है मुकुट मिंज, इनको भी मेडिसिन के फील्ड में मिला है, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। अगला है अरुण कुमार शर्मा, इनको मिला है आर्कियोलॉजी में मिला है, ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। अगला है संजीव कपूर हैं, संजीव कपूर जो है कलिनेरी में, ये जो वही सेफ का काम करते हैं, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। मीनाक्षी अम्मा, इनको मिला है मार्शल आर्ट में मिला है, ये केरला की रहने वाली हैं। अगला है गीना भाई दरगा भाई पटेल, इनको मिला है एग्रीकल्चर में, गुजरात के रहने वाले। अगला है चंद्रकांत पिथावा, इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग में मिला है, तेलंगाना के रहने वाले हैं। अगला है अजय कुमार रे, ये साइंस एंड इंजीनियरिंग में मिला है, वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। अगला है चिंदकिंदी मलेशम, ये साइंस एंड इंजीनियरिंग मिला है, ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। जितेंद्र नाथ गोस्वामी, इनको भी साइंस एंड इंजीनियरिंग मिला है, ये असम के रहने वाले हैं। अब सोशल वर्क में किसको किसको मिला है, सोशल वर्क में दरीपल्ली रमैया, इनको सोशल वर्क में मिला है, ये तेलंगाना के रहने वाले हैं। अगला सोशल वर्क में गिरीश भरद्वाज को मिला है, सोशल वर्क में ये कर्नाटका के रहने वाले हैं। अगला है करीमुल हक, इनको भी सोशल वर्क में मिला है, ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। विपिन गंत्रा, इनको भी सोशल वर्क में मिला है, ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। अगला है निवेदिता रघुनाथ भिदे, इनको मिला है सोशल वर्क में, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अगला है अपा साहेब धर्माधिकारी, इनको भी सोशल वर्क में मिला है, महाराष्ट्र में। अगला है बाबा बलबीर सिंह सिचेवाल, ये इनको किस फील्ड में, इनको सोशल वर्क में मिला है, पंजाब के रहने वाले हैं। ये इसके बाद है विराट कोहली, क्रिकेट से दिल्ली के रहने वाले हैं। शेखर नायक, ये भी क्रिकेट से हैं, ये कर्नाटका के रहने वाले हैं। विकास गोड़ा, ये डिस्कस थ्रो में है, ये कर्नाटका के रहने वाले हैं। दीपा मलिक जो है एथलेटिक्स हैं, इन हरी दीपा मलिक हरियाणा के रहने वाली हैं। अगला है मरियप्पन थैंगुविलु,
ये भी एथलेटिक्स में पैरा ओलंपिक में मेडल जीते थे, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और दीपक कर्माकर ये जिमनास्ट हैं, ये त्रिपुरा की रहने वाली हैं। पीआर श्रीजेश ये हॉकी से रिलेटेड हैं, ये केरला के रहने वाले हैं। अगला है साक्षी मलिक, ये रेसलिंग से हैं, ये हरियाणा की रहने वाली हैं। श्री मोहन रेड्डी वेंकटरमा बोधनपु, इनको ट्रेड एंड इंडस्ट्री में मिला है, तेलंगाना के रहने वाले हैं। अब कुछ एनआरआई एनपीआईओ को मिला है, ये हैं श्री इमरात खान, इनको म्यूजिक में मिला है, यूएसए के रहने वाले हैं। और श्री अनंत अग्रवाल लिटरेचर एंड एजुकेशन में, यूएसए के रहने वाले हैं। श्री यचार शाह को मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन में, ये जर्नलिज्म में मिला है, यूएसए के रहने वाले हैं। और इसमें मिला है सुनीति सोलोमन, पोस्टमसली मिला है मेडिसिन में, तमिलनाडु की रहने वाली है, मरणोपरांत मिला है। आगे है कि श्री अशोक कुमार भट्टाचार्य, इनको पोस्टमसली मिला है, ये आर्कियोलॉजिस्ट थे वेस्ट बंगाल के। अगला है डॉक्टर मपुष्कर, ये सोशल वर्क में, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अगला है अनुराधा कोइराला, ये फॉरेनर हैं, इनको सोशल वर्क में मिला है, नेपाल के रहने वाली हैं। अब इसमें देखते हैं एनआरआई और पीआईओ में डिफरेंस क्या होता है। एनआरआई इसको बोलते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन, इज एन इंडियन सिटीजन हु इज ऑर्डिनरली रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया एंड होल्ड्स इंडियन पासपोर्ट, मतलब जो इंडिया का हो और अभी बाहर रह रहा हो कुछ सालों से और उसके पास इंडियन सिटीजनशिप हो, उसको एनआरआई बोलते हैं। और पीआईओ क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, कार्ड होल्डर्स आर पीपल हुज एंसेस्टर वर इंडिया नेशनली नेशनैलिटी एंड हु इज प्रेजेंटली होल्डिंग अनदर कंट्रीज सिटीजनशिप, मतलब जिसके पूर्वज जो है इंडियन रहे हों और फिलहाल उनके पास इंडियन जो है पासपोर्ट होल्डर नहीं है, वो किसी और कंट्री का मतलब नागरिकता ले लिए हैं लेकिन उनके पूर्वज जो है इंडियन थे। ये है दोनों का डिफरेंस। आगे देखते हैं ये अवार्ड जो है, जो पद्मश्री अवार्ड है, पद्म अवार्ड जो दिया जाता है, ये अवार्डेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किस टाइप का अवार्ड है, सिविलियन, कैटेगरी क्या है, नेशनल, इसके बाद इसमें डिस्क्रिप्शन रिबन में ये कलर बने हुए हैं, रिबन यही दिया जाता है। और इंस्टीट्यूटेड 1954 में, लास्ट अवार्डेड 2017 में, वही 25 जनवरी 2017 को अनाउंसड हुआ है, तो अप्रैल मार्च में दिया जाएगा। और इसमें टोटल अवार्डेड अब तक जितने दिए गए हैं 2913 हैं, इतने लोगों को दिया गया है। अब अगले वीडियो में और देखते हैं।